साथियों, पिछली वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में समझा था और यह जाना था कि महिलाओं को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से बेसिक टर्म्स और फार्मूले हैं जिन्हें जानकर आप किसी से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो आपको सामने वाले की बात समझने में आसानी होगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले इन बेसिक टर्म्स और फार्मूले को जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज, आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास लाइफ लेसन्स बाय गुरुजी में। गुरुजी की इस क्लास में आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनमोल ज्ञान दिया जाता है, इसीलिए सब्सक्राइब वाली घंटी बजाकर हमसे जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। किसी काम को शुरू करने से पहले उसके बेसिक टर्म्स जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे आप कार चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कार स्टार्ट कैसे होती है, उसके स्टेयरिंग का क्या काम है, ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक कैसे लगाते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले उसके बेसिक टर्म्स जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे एसेट्स मीन्स संपत्ति, अर्थात ऐसी वस्तु जिसे पैसे में आंका जा सके। इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, लिक्विड एसेट्स, ऐसी संपत्ति जिन्हें आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, जैसे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, गोल्ड इत्यादि। दूसरा है फिक्स्ड एसेट्स, यानी स्थायी संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिन्हें आसानी से खरीदा बेचा नहीं जा सकता, जैसे रियल एसेट्स में आपके प्लॉट आ गए, फ्लैट्स आ गए, मकान आ गया इत्यादि। गेन और लॉस, जब शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड को कम दाम में खरीदकर ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो गेन होता है, और जब इसका उल्टा होता है तब लॉस होता है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड को आपने 10,000 में खरीदा और कुछ समय बाद उसे 15,000 में बेच दिया तो आपको 5,000 का गेन हुआ। वहीं उसी म्यूचुअल फंड को आपने 10,000 में खरीद कर 8,000 में बेचते तो आपको 2,000 का लॉस होता। रिटर्न, जब शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड को गेन या लॉस में बेचते हैं तो उसे समय के अनुसार बताने के लिए रिटर्न कहते हैं। जैसे पिछले उदाहरण में 5,000 का गेन 1 साल में हुआ था तो हम कह सकते हैं कि आपको 1 साल में 50% का रिटर्न मिला। NAV, नेट एसेट वैल्यू, म्यूचुअल फंड के प्राइस हर दिन तय किए जाते हैं, इसी वैल्यू को म्यूचुअल फंड का NAV कहते हैं। NAV का प्राइस मार्केट के अनुसार रोज घटता बढ़ता रहता है। NSE और BSE शेयर मार्केट हैं जहां पर रजिस्टर्ड फॉर्म में शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बेसिक फार्मूले के बारे में। याद कीजिए, जब आप बचपन में मैथ की क्लास करते थे तो फार्मूले कितने मददगार होते थे, पूरी कैलकुलेशन को आसान बना देते थे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के फार्मूले इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन को आसान बना देते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ फार्मूलों को। पहला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस फार्मूले से हम जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यह फार्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फार्मूले का बिल्कुल उल्टा है। इस फार्मूले से हम जान सकते हैं कि जो रकम आपने फ्यूचर के लिए सोची है उसके लिए आज आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। SIP अमाउंट, इसे फुल फॉर्म में कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा चलता है। इस फार्मूले का काम है बूंद बूंद से सागर भरना। इस फार्मूले में हम जान सकते हैं कि जो रकम आपने फ्यूचर के लिए सोची है उसके लिए पर मंथ आपको कितना पैसा SIP से जमा करना पड़ेगा। रेट ऑफ ग्रोथ, इस फार्मूले से आप जान सकते हैं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर कितने परसेंट का ग्रोथ मिल रहा है। कैलकुलेट टाइम पीरियड, इस फार्मूले से हम जान सकते हैं
कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को फ्यूचर में सोची गई अमाउंट कितने समय में बन जाएगी। इन फार्मूले के उपयोग से आप इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझने लगेंगे। जब आप इन फार्मूले में एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आपको इन्वेस्टमेंट करने में मज़ा आने लगेगा। साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। अगर आपको हमारी क्लास में ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो सब्सक्राइब वाली घंटी बजाकर हमसे जुड़े रहें, जिससे भविष्य में आप इतनी महत्वपूर्ण क्लास कभी मिस ना कर पाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो में कोई बात समझ में ना आई हो या वीडियो को लेकर कोई सलाह या समस्या हो तो कमेंट अवश्य करें। आपके द्वारा दिए गए सुझावों से ही मैं वीडियो को बेहतर बना रहा हूँ। धन्यवाद।